आज इस वीडियो में डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स पढ़ना है, कंपाउंड्स पढ़ने हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, डीनेचर क्लीनर्स, डीनेचर एडेसिव, माउथ वाशेस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। वेरियस डेंटल प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर डेंटल हाइजीन। वेरियस डेंटल प्रोडक्ट्स ये डेंटल हाइजीन में यानी दांत को क्लीन करने में यूज़ किए जाते हैं। डेंटल प्रोडक्ट्स आर यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज, टूथ डिके, डेंटल प्लेक कॉज्ड बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स ये डेंटल कैरीज, डेंटल प्लेक जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स के द्वारा होते हैं, इसको रोकने में यूजफुल होते हैं। डेंटल कैरीज टूथ डिके इज ए क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉल्ड डेंटल प्लेग इन व्हिच द एक्टिव पेशेंट आर मेंबर ऑफ द इंडिजिनस ओरल फ्लोरा। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स। ब्रॉडली डेंटल प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज। एंटी कैरीज जिसका एग्जाम्पल है सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, क्लीनिंग एजेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल है, पॉलिशिंग एजेंट इसका एग्जाम्पल है जिंक क्लोराइड। एंटी कैरीज देख लेते हैं। डेंटल कैरीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई द यूज़ ऑफ डेंटिफ्रीसिस। डेंटल कैरीज है इसको डेंटिफ्रीसिस यानी जो दंत मंजन होता है उसके द्वारा इसको रोका जा सकता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ डेंटिफ्रीसिस इज टू क्लीन द एसेसिबल सरफेस ऑफ द टूथ। प्राइमरी फंक्शन जो डेंटिफ्रीसिस यानी मंजन, दंत मंजन का है, ये दांत की ऊपरी परत को ये क्लीन करता है। यूज़ ऑफ फ्लोराइड कंटेनिंग साल्ट आल्सो हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन टूथ। फ्लोराइड कंटेनिंग जो साल्ट होते हैं ये दांत के लिए लाभकारी होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सोडियम फ्लोराइड, स्टेनलेस फ्लोराइड। क्लीनिंग एजेंट्स देखते हैं। क्लीनिंग एजेंट्स कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड एब्रेसिव प्रॉपर्टी टू रिमूव स्टेनस फ्रॉम टीथ। क्लीनिंग एजेंट हैं ये जो फाइन पार्टिकल के होते हैं और ये एब्रेसिव प्रॉपर्टी के होते हैं, ये जो दांत की ऊपरी परत से जो स्टेनस होता है यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये रिमूव करता है। इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। पॉलिशिंग एजेंट देखते हैं। पॉलिशिंग एजेंट ऑन द टीथ हैव वाइटिंग एक्शन ड्यू टू इट्स एब्रेसिव प्रॉपर्टी। पॉलिशिंग एजेंट ये टीथ के को वाइट करता है, मतलब क्लीन करता है, ये एब्रेसिव प्रॉपर्टी का होता है। बिसाइड पॉलिशिंग इफेक्ट सम डिसेंसिटाइजिंग एजेंट आर एडेड इन डेंटिफ्रीसिस टू रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ टूथ हीट एंड कोल्ड। बिसाइड पॉलिशिंग इफेक्ट जो है ये डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है, इसको दंत मंजन में मिलाने से ये दांत की सेंसिटिविटी यानी जो दांत में ठंडा गर्म लगता है उसको ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इसका एग्जांपल है जिंक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। अब उसका पहला कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं, जिसका फार्मूला है CaCO3। इसका ब्रांड नेम टूमेस किड्स है। इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिंग सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इसको सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करके बनाया जाता है। Na2CO3 प्लस CaCl2 को मिलाने पर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl मिलता है। इसकी प्रॉपर्टीज, इट इज़ फाइन वाइट माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इट इज़ ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ये ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल, ये एल्कोहल और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसको मिलाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2CO3 मिलता है। इसका स्टोरेज देखते हैं। इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना चाहिए इसको। इसका यूज देखते हैं। यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट बिकम इट हैज़ माइल्ड अप्रेसिव क्वालिटी। ये क्लीनिंग एजेंट के तरह यूज होता है, ये माइल्ड अप्रेसिव क्वालिटी का होता है। कॉमन इन्ग्रीडियंट ऑफ टूथ पाउडर, टूथपेस्ट। इसको अगर इसका कॉमन देखा जाए तो ये टूथ पाउडर और टूथपेस्ट में इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट आल्सो इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड टू रिलीव हार्ट बर्न, एसिड इंडिगिनस एंड अपसेट स्टमक। कैल्शियम कार्बोनेट ये एंटी एसिड की तरह काम करता है। आप जो एंटी एसिड में प्रॉपर्टीज इसका यूज पढ़े हैं उसका इसमें ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम इज़ नीडेड बाई द बॉडी फॉर हेल्थी बोन, मसल्स, नर्वस सिस्टम एंड हार्ट। ये हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, जो हेल्थी बोन के लिए, मसल नर्वस सिस्टम के लिए एंड हार्ट के लिए। अगला कंपाउंड सोडियम फ्लोराइड देखते हैं, जिसका फार्मूला है
NAF। इसका ब्रांड नेम फोस फुलर जेल है। इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। इसको रिएक्शन देखते हैं। 2HF प्लस Na2CO3 को मिलाने पर 2NaF सोडियम फ्लोराइड प्लस H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये कलरलेस आर्डरलेस क्रिस्टल फॉर्म में होता है, साल्बुल इन वाटर बट इन साल्बुल इन एल्कोहल। ये वाटर में साल्बुल है और इन साल्बुल इन एल्कोहल। NaF प्लस H2O को जब मिलाते हैं तो HF प्लस NaOH मिलता है। फिर NaF प्लस Cl2 को जब मिलाते हैं तो NaCl प्लस F2 मिलता है। इसका यूज देखते हैं। सोडियम फ्लोराइड कंटेन फ्लोराइड आयंस एंड प्रिवेंट डेंटल कैरीज, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज एंटी कैरीजन। ये फ्लोराइड कंटेनिंग होता है, ये डेंटल कैरीज में यूज़ किया जाता है इसको, मतलब ठीक करने के लिए। और ये एंटी कैरीज यानी दांत को साफ करने में भी यूज़ किया जाता है इसको। सोडियम फ्लोराइड 2% एक्वस सोल्यूशन इज़ यूज टू टॉपिकली टू द सरफेस आर ड्राई टीथ। इसका 2% एक्वस सोल्यूशन ये इसको टॉपिकली टूथ के यानी जो ड्राई टूथ होता है उसके सरफेस पे इसको यूज किया जाता है। इस नोट देख लेते हैं। NaF सोडियम फ्लोराइड इन 1 PPM कॉन्सेंट्रेशन इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर, हायर लेवल्स दैन 1 PPM काज मॉडलिंग टीथ। इसका स्टोरेज देख लेते हैं। स्टोरियन ड्राग परेक्स बोतल में इसको स्टोर करना चाहिए। डीनेचर क्लीनर्स देखते हैं। आ डीनेचर क्लीनर्स आल्सो टर्म डीनेचर क्लीनर्स इज यू टू क्लीन डीनेचर व्हेन दे आर आउट ऑफ द माउथ। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं डीनेचर क्या होता है। जब दांत झड़ जाते हैं तो लोग आर्टिफिशियल दांत लगवाते हैं, तो उसी को क्लीन करने के लिए डीनेचर क्लीनर्स का यूज किया जाता है। इस डीनेचर को माउथ से बाहर निकाल करके डीनेचर क्लीनर से क्लीन किया जाता है। तो द मेन यूज इज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द डीनेचर स्पेशली कैंडिडा बिल्बिकेन फंगस, देयर बाय प्रिवेंटिंग डीनेचर रिलेटेड स्टोमेटिट्स इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ एंड लिप्स। डीनेचर क्लीनर्स का जो मेन यूज होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और डीनेचर में कैंडिडा एल्बिकेन फंगस लग जाता है तो उसको ये प्रिवेंट करता है, और स्टोमाइटिट्स यानी इन्फ्लामेशन माउथ एंड लिप्स माउथ और होंठ में हो जाता है तो उस इन्फ्लामेशन को ये ठीक करता है। इसका ब्रांड्स नेम देखते हैं। सिक्वेयर क्लिंसोडेंट पॉलिएंट। इसका फार्मुलेशन तो ये लिक्विड फॉर्म में पेस्ट पाउडर टेबलेट डीनेचर क्लीनर्स का आता है। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या यूज होता है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेवरल ब्रांड्स ऑफ डीनेचर क्लीनर्स। डीनेचर क्लीनर्स का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। अदर इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड सच एज केमिकल एज सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा व्हिच अल्कलाइजर द वाटर क्लीनिंग द डीनेचर। सिट्रिक एसिड या रिमूव स्टेंस, सिट्रिक एसिड होता है स्टेंस को रिमूव करता है। सोडियम परबोरेट, सोडियम पॉलीफॉस्फेट, पोटेशियम मोनोपर सल्फेट क्लीनिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट EDTA, एथिलीन डायमीन टाइट्रिक एसिड होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। बैक्टीसाइडल फंगीसाइडल एंड वायरलसाइडल एक्शन। ये जो डीनेचर क्लीनर्स होता है ये बैक्टीसाइडल होना चाहिए, फंगीसाइडल और वायरीसाइडल होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट विथ ओरल टिश्यू। ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए क्योंकि इसका माउथ में यूज करते हैं, नॉन इरिटेंट होना चाहिए। एस ऑफ एप्लीकेशन एंड रिमूवल विथआउट रेसिड्यू। ये इसका जो डीनेचर क्लीनर्स होता है ये हल्का होना चाहिए, और लॉन्ग शेल्फ लाइफ इसके अधिक समय तक ये रहे, इसके लॉन्ग लाइफ की होनी चाहिए। शुड बी इनएक्सपेंसिव, ये सस्ता होना चाहिए, कॉस्टली नहीं होना चाहिए। कंपेटिबल विथ ऑल द मटेरियल यूज इन डीनेचर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। इसका स्टोरेज देखते हैं। स्टोरेज में डीनेचर क्लीनर्स का स्टोरेज नहीं देखना, हमें डीनेचर का देखना है। तो कीप योर डीनेचर मॉइस्ट आर दे मे लूज डियर सेप। इसको मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए, नहीं तो इसका जो सेप है वो लूज हो जाएगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द लेबल इफ़ यू यूज डीनेचर क्लीनर सोल्यूशन। जो डीनेचर क्लीनर्स पे जो डीनेचर क्लीनर्स का मतलब जो पॉकेट होती है उस पर जो लेबल लगा रहता है उसमें इंस्ट्रक्शन जो लिखा रहता है उसको फॉलो करना चाहिए। रिंस एवर डीनेचर बिल अंडर क्लीन वाटर बिफोर पेटिंग द बैक इन एवर माउथ।
जो डिनेचर होता है इसको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद में ही माउथ में लगाना चाहिए। प्लेस द कंटेनर दैट होल्ड योर डिनेचर सम हुएर सेफ हुएर इट वॉन्ट बी नॉक्ड ओवर। जो मतलब डिनेचर रखने वाला है उसको क्लीन रखना चाहिए, उसको कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसका यूज़ देखें इन क्लीनिंग डिनेचर, डिनेचर क्लीनर है, इसका यूज डिनेचर को क्लीन करने में किया जाता है। द फाइट बैड ब्रीथ विथ इट्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, ये जो मतलब बदबू आने लगती है मुंह से उसको उससे लड़ने में मदद करता है और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी का होता है। डिनेचर एडहेसिव देखते हैं। एडहेसिव यानी गम यानी चिपकाने वाला। डिनेचर एडहेसिव आर पेस्ट पाउडर आर एडहेसिव पैड्स दैट मे बी प्लेस्ड इन ऑन डिनेचर टू हेल्प देम स्टे इन प्लेस। जो डिनेचर होता है उसको चिपकाने के लिए माउथ में उसको चिपकाने के लिए डिनेचर एडहेसिव का यूज किया जाता है। समटाइम डिनेचर एडहेसिव कंटेन जिंक टू इनहेंस एडहेसन। समटाइम जो डिनेचर एडहेसिव होता है उसमें जिंक मिला होता है जिससे इसका एडहेसन इम्प्रूव हो जाता है। इन मोस्ट केसेस प्रॉपरली फिटेड एंड मेंटेन डिनेचर शुड नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ डिनेचर एडहेसिव। मोस्टली अगर हम देखें तो डिनेचर ये प्रॉपरली फिट हो जाता है तो उसमें डिनेचर एडहेसिव का यूज नहीं किया जाता है, उसमें कोई रिक्वायर नहीं होती है डिनेचर एडहेसिव की। ओवर टाइम श्रिंकेज यानी टेढ़ापन इन द बोन स्ट्रक्चर इन द माउथ काज डिनेचर टू ग्रेजुअली बिकम लूज। समटाइम देखते हैं तो जैसे बोन है तो उसमें टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ी हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो डिनेचर होता है वो लूज हो जाता है। तो व्हेन दिस अकर द डिनेचर शुड बी रिलाइंड आर न्यू डिनेचर मेड दैट फिट द माउथ प्रॉपरली। तो उसके लिए आपको दूसरा डिनेचर लेना पड़ेगा माउथ में लगाने के लिए, तो उसी को ठीक करने के लिए डिनेचर एडहेसिव होता है तो उसको लगा करके हम उसको अच्छे से चिपका लेते हैं उसको बोन के अकॉर्डिंग। तो डिनेचर एडहेसिव फिल गैप कार्ड बाई श्रिंकेज बोन एंड गिव टेम्प्रोरी रिलीफ फ्राम लूजिंग डिनेचर। तो डिनेचर एडहेसिव होता है जिसमें गैप हो जाता है बोन के श्रिंक होने से तो उसको ये ठीक कर देता है और ये उसके जो लूजपन आ जाता है डिनेचर में उसको ये अच्छे से ठीक कर देता है और इसका यूज किया जाता है। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिनेचर एडहेसिव आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। पहला ग्रुप्स में एडहेसिव एजेंट देखते हैं। ट्रेगाकैंथ जिलेटिन मिथाइल सेलुलोज अकेसिया हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज क्रायागम सोडियम कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज पेक्टिन एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक एक्रिलामाइड्स एसिटिक पॉलीबिनाइल एंड पॉलीएथिलीन ऑक्साइड। सेकंड ग्रुप देखते हैं एंटी माइक्रोबियल होता है जो सोडियम टेट्राबोरेट एथेनॉल हेक्साक्लोरोफीन एंड सोडियम बोरेट। थर्ड ग्रुप देखते हैं फास्टिसाइजिंग एजेंट फ्लोरिंग एजेंट लाइक ऑयल पिपरमेंट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन एंड वेटिंग एजेंट्स एटसेट्रा। मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। डिनेचर एडहेसिव आर सप्लाइड एज अ पेस्ट पाउडर आर क्रीम एज द एडहेसिव पाउडर एब्जॉर्ब वाटर दे विल टू मेनी टाइम्स दियर ओरिजिनल वॉल्यूम एंड द एनायंस एज फॉर्मेड इंटरेक्ट विद कैट आयन इन द प्रोटीन इन द ओवरऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। जो डिनेचर एडहेसिव होता है ये जो वाटर होता है माउथ में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। द विस्कोसिटी ऑफ द एडहेसिव इज इंक्रीज्ड बाय द थिक सलाइवा फॉर्मड देयर बाय इंक्रीजिंग द डिनेचर रिटेंशन। ये जो डिनेचर एडहेसिव होता है ये सलाइवा को और इसकी जो थिकनेस होती है उसको इंक्रीज कर देता है जिससे डिनेचर रिटेंशन इंक्रीज हो जाती है यानी डिनेचर ज़्यादा समय तक लगा रहता है। द इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द एडहेसिव क्रीम रिजल्ट इन दियर लेटरल सेपरेट स्क्लूडिंग ईयर एंड सलाइवा देयर बाय इंक्रीजिंग द रिटेंशन।
आइडियल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं डीनेचर एडहेसिव का। अवेलेबल एज जेल, क्रीम एंड पाउडर्स, ये जेल, क्रीम एंड पाउडर्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। बायो कंपेटेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट होना चाहिए। इट शुड हैव अ नेचुरल ऑर्डर एंड टेस्ट, ये नेचुरल ऑर्डर टेस्ट और टेस्ट का होना चाहिए, ऑर्डर एंड टेस्ट का होना चाहिए। इस एप्लीकेशन एंड रिमूवल फॉर द टिश्यू सर्फेस ऑफ द टीनेचर, ये इजी एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी जो अच्छे से रिमूव, मतलब आसानी से रिमूव हो जाए टिश्यू सर्फेस, डीनेचर के टिश्यू सर्फेस से। डिस्करेज माइक्रोबियल ग्रोथ का होना चाहिए। एडहेसिवनेस शुड बी रिटेंड फॉर 12 to 16 आवर्स, जो एडहेसिवनेस है वो 12 से 16 घंटे तक होनी चाहिए। कम्फर्ट रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द डीनेचर। माउथ वाशेस देखते हैं। माउथ वाश इज़ ए लिक्विड सोल्यूशन फॉर रिंसिंग एंड क्लीनिंग द माउथ। माउथ वाश ये लिक्विड सोल्यूशन होता है जो मुंह को धोने और क्लीन करने में यूज किया जाता है। लिक्विड माउथ वाश इज़ ऑफन यूज इन डेंटल हाइजीन। ये जो लिक्विड माउथ वाश होता है ये डेंटल हाइजीन या दांत को क्लीन करने में यूज किया जाता है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल माउथ वाश हेल्प गम इन्फेक्शंस एंड गार्गल्स, इट कैन हेल्प प्रिवेंट सोर थ्रोट। ये एंटीबैक्टीरियल होता है जो कि ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करता है। जो इसका गार्गल, माउथ वाश का गार्गल होता है, ये सोर थ्रोट यानी गले में कोई खराश है तो उसको ये ठीक करता है। माउथ वाश के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। फ्लोरिंग एजेंट होता है यूकेलिप्टॉल और मेथनॉल, प्रजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट बिकेल, वाटर स्वीटनर सोडियम सैकरीन सुक्रोज, इसके कोलरेंट्स होता है। एंटीसेप्टिक एजेंट, इसमें फ्लोराइड होता है जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है। डिटर्जेंट होता है। इसकी इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। डिजॉल्व द बेंजोइक एसिड इन क्लोरोफॉर्म, एड ग्लाइसरीन एंड मिक्स। इसको बेंजोइक एसिड को क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व करते हैं और फिर ग्लाइसरीन ऐड करके इसको मिक्स कर देते हैं। डिजॉल्व द सिनामन पिपरमेंट एंड फिनाल इन एल्कोहल, सिनामन पेपरमेंट एंड फिनाल को अल्कोहल में डिजॉल्व करके मिक्स करते हैं। टू सोल्यूशन टुगेदर, फिर दोनों सोल्यूशन को मिला करके साथ में मिक्स कर देते हैं। मिक्स फॉर टू आर चिल एंड फिल्टर, दो घंटे इसको मिलाने के, मिक्स करने के बाद में इसको फिल्टर कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। लो इन कॉस्ट, लो कॉस्ट होना चाहिए। टू नॉट इरीटेट ओरल कैविटी, ये इरीटेट नहीं होना चाहिए। स्ट्रांग एनफ टू मास्क फुल स्मेल ऑफ माउथ, एक्शन शुड बी क्विक, क्योंकि इसको, इसका जो एक्शन है वो बहुत क्विक होना चाहिए, क्योंकि इसको हम इसके गार्गल को मुंह में लेकर फिर उसको कुल्ली कर लेंगे तो जो इसका एक्शन है वो बहुत क्विक होना चाहिए। इसका स्टोरेज देखते हैं। माउथ वाश शुड बी सप्लाइड इन बेल क्लोज कंटेनर, माउथ वाश को बेल क्लोज कंटेनर में सप्लाई करना चाहिए। इसका यूज़ देख लेते हैं। ये एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल होता है, एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, कूलिंग एंड रिफ्रेशिंग एक्शन शो करता है। जो फार्मुलेशन होता है इसको ओरल लेते हैं। इसका ब्रांड नेम लिस्टरीन क्लोजैप कोलगेट है। अब इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।